तो आज हम बात करेंगे VVA माइक्रो पावर प्रोग्रामिंग के ऊपर। VVA तो सबसे पहले इसकी फंडामेंटल को समझते हैं कि इसका फंडामेंटल क्या है। अगर हम VVA की बात करें, इसका फुल फॉर्म होता है विजुअल बेसिक फॉर एप्लीकेशन, पर ध्यान रखिएगा ये VV6 नहीं है या VV स्टूडियो नहीं है, वो डिफरेंस है। वो डिफरेंट इसलिए है क्योंकि वो एप्लीकेशन डेवलप करता है और ये एप्लीकेशन को कस्टमाइज करता है, एप्लीकेशन के अंदर नए फीचर को डेवलप करता है। और VVA माइक्रो प्रोग्रामिंग सपोर्ट करता है MS Office, जैसे कि एक्सेल, पावर पॉइंट, एक्सेस, आउटलुक, MS Word को सपोर्ट करता है। तो मतलब VVA सिर्फ एक्सेल में नहीं, आप पूरे MS Office में इस्तेमाल कर सकते हैं। अब बात करेंगे कि अगर VVA एक फैक्ट्री है तो इससे बनाएंगे क्या और क्यों। फर्स्ट थिंग कि व्हाई यूज द VVA, व्हाई मेड बाय द VVA एंड व्हाई। तो इसमें जो है तीन चीजें हैं। पहली है माइक्रोज। अब माइक्रोज क्या है? माइक्रोज कॉल्ड ए ऑटो पायलट। जैसे कल मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था कि मुझे अगर कई सारे शीट्स के डेटा कॉपी करके एक शीट में पेस्ट करना है तो हमने इसके लिए माइक्रो बना दिया। तो माइक्रो का काम क्या है? ऑटो पायलट क्रिएट करना। जैसे कि आपका कोई काम है उसको मैनुअल ना करके आप कोड के थ्रू करवाना चाहे, उसके लिए हम माइक्रोज लगाते हैं। इसलिए हम लोग VVA माइक्रोज पावर प्रोग्रामिंग, माइक्रोज प्रोग्रामिंग करते हैं। अब यहाँ माइक्रोज से एक चीज़ कन्फ्यूज मत हुई, बहुत सारे स्टूडेंट कन्फ्यूज होते हैं कि माइक्रोज इट मीन्स रिकॉर्ड माइक्रो। जी नहीं, रिकॉर्ड माइक्रो इज अ डिफरेंट, माइक्रो इज अ डिफरेंट। मतलब रिकॉर्ड माइक्रो भी माइक्रो बनाता है और VVA के थ्रू जो हम कोड करते हैं वो भी माइक्रो बनाता है। तो रिकॉर्ड माइक्रो एक ऐसी फैसिलिटी है जो कि आपके बिहाफ पे कोडिंग कर देता है। जैसे एग्जांपल, मैंने रिकॉर्ड माइक्रो पे क्लिक किया और यहाँ पे मैंने लिखा नेम रोल एंड मार्क्स। हमने इसको लिखने का कोड कर लिया और मैंने इसको स्टॉप रिकॉर्ड कर लिया। अब इन फ्यूचर में मुझे अगर रोल नेम रोल मार्क्स अगर लिखना हो तो मैं जस्ट अपने इस ट्रिगर की माइक्रो को रन कर। तो रिकॉर्ड माइक्रो ने ही बनाया। अगर इसकी एडिट पे जाके देखें तो इसकी कोडिंग जो दिखेगी वो VVA की कोडिंग है, भी VVA की कोडिंग ही। तो रिकॉर्डिंग माइक्रो, अब बहुत सारे कन्फ्यूजन होती है कि माइक्रो इट मीन्स रिकॉर्ड माइक्रो और VVA इट मीन्स हम कोड करते हैं वो VVA का लाता है, कोडिंग की जो दुनिया बनाते हैं VVA का लाता है। यहाँ पे क्लियर कर लीजिए, हम कोड करें या रिकॉर्ड करें बनता माइक्रो ही है और दोनों में हमारा VVA प्रोग्रामिंग ही यूज होता है। बट रिकॉर्ड माइक्रो एक इंटरप्रेटर की तरह है जो कि आपके माउस और कीबोर्ड एक्शन को कन्वर्ट कर देता है कोड में, सिंपल सा। उसके बाद हम बनाएंगे फंक्शन। फंक्शन इट मीन्स फॉर्मूला। एक्सेल में ऑलरेडी बहुत सारे फॉर्मूले हैं, यहाँ पे VLOOKUP, HLOOKUP, ऐसे बहुत सारे फॉर्मूले हैं। तो आप इसमें अपने लिए खुद के फॉर्मूले बना सकते हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि जो अभी तक एक्सेल में इतने सारे फॉर्मूले हैं उसको अभी तक जाना ही नहीं, तो फिर और नए फॉर्मूले बना के सरदर्दी क्यों लेनी? तो नए फॉर्मूले बनाने का मतलब है कि आप अपने लिए अपने हिसाब से फॉर्मूला क्रिएट करें। जैसे कि आप VLOOKUP यूज करते हैं ना सर, तो VLOOKUP प्रॉब्लम क्या करता है? लेफ्ट टू राइट लुकअप करता है, लीनियर ऊपर लुकअप करता है। मतलब कि अगर वैल्यू 5 टाइम है तो पहली वैल्यू दिखाएगा, बाकी वैल्यू नहीं दिखाएगा। ओके, इसमें एक छोटी सी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। तो हम जो है अपने हिसाब से फॉर्मूले बनाए, जो फॉर्मूले ऑलरेडी है उस फॉर्मूले में हमें प्रॉब्लम है या फिर वो फॉर्मूला हमारे अकॉर्डिंग रिजल्ट नहीं दे रहा, फॉर्मूला हमारे अकॉर्डिंग रिजल्ट नहीं दे रहा है, तो उस केस में हम फंक्शन के थ्रू अपने खुद के फॉर्मूले क्रिएट करते हैं। और इसी फंक्शन का यूज सिर्फ फॉर्मूले बनाने के लिए नहीं होता है, इसको हम अपने माइक्रोज की कोडिंग में भी हेल्प लेते हैं। जैसे
मान लीजिए कि आप एक प्रोग्राम को एक रिपोर्ट को ऑटोमेट करने के लिए आपने कोड कुछ कोड लिख रहे हो, एक कैलकुलेशन है जो आपको बहुत सारे रिपोर्ट में करनी है, और उस कैलकुलेशन में कोड मान लीजिए 5 lines का कोड है, तो आपको अगर 15 जगह पे उस कैलकुलेशन यूज करना है तो आपको 5 times कोड को लिखना हो। तो यहाँ पे हमारा फंक्शन सपोर्ट करता है कि हम उस कोड को फंक्शन में डाल देते हैं और आफ्टर दैट हम उसको जहाँ जहाँ कॉल करते हैं। जो 5 लाइन की कोड है वो 1 लाइन में कन्वर्ट हो जाती है और 4 लाइन का हमारा बचत होगा। अब उसे बचत करके क्या करना है, जितना कम लाइनिंग में कोड होगा उतना फास्ट आपका मैक्रो वर्क करेगा, ठीक है। उसके बाद तीसरा जो आता है वो आता है यूजर फॉर्म। यूजर फॉर्म इट मीन्स इंटरफेस। ये जो यहाँ कुछ भी आप करते हैं तो एक पॉपअप टाइप का आता है, जैसे कि मान लीजिए कि मैं इंसर्ट पे पिवट नहीं किया तो यहाँ एक पॉपअप आया। इस तरह के पॉपअप आप खुद से क्रिएट कर सकते हैं, इसको इंटरफेस कहते हैं। मतलब कि आपको किसी से इनपुट लेना है, एक वैलिडेट इनपुट लेना है, तो इनपुट देने से पहले आप वैलिडेशन लगाए कि भाई नेम होना चाहिए, ईमेल आईडी में @ होना चाहिए, डॉट होना चाहिए, इस तरह की वैलिडेशन लगा सकते। अब इमेजिन कीजिए कि आप पिवट टेबल के लिए ही मैक्रो क्रिएट कर, तो आपको कई सारे मैक्रो क्रिएट करने पड़ जाएंगे कि पिवट टेबल विथ रेंज विथ न्यू शीट, पिवट टेबल विथ रेंज विथ एग्जिस्टिंग शीट, पिवट टेबल विथ एक्सटर्नल सोर्स न्यू सोर्स, तो कई सारे मैक्रो बन जाते, कई सारे कमांड बन जाते। तो सामने वाला जो यूजर है जो यूज करेगा उसको मेमोराइज करना पड़ जाएगा कि भाई पिवट टेबल विथ न्यू टेबल्स के लिए ए बटन ए शॉर्टकट है या ए कमांड है या ए मैक्रो, तो इसमें भी कंफ्यूजन होती, इसलिए यहाँ उन्होंने एक यूजर फॉर्म के अंदर में दे दिया हुआ है। आप अपने हिसाब से चूज कीजिए और सारी कोडिंग ओके बटन पे की गई है, ओके बटन पे क्लिक करते ही जो आपने सेलेक्ट किया है उसके अकॉर्डिंग आपका मैक्रो परफॉर्म कर जाएगा, ओके। तो हम VBA के थ्रू 3 चीजें बनाते हैं, मैक्रोस जो कि ऑटो पायलट होता है, एक ट्रिगर होता है जिसके जरिए हम अपने काम को कोड के जरिए करवाते हैं, ऑटोमेट जिसको कर सकते हैं, दूसरा फंक्शन जिसके जरिए हम फॉर्मूले बनाते हैं एक्सेल के लिए भी और VBA के लिए, और तीसरा यूजर फॉर्म जहां हम इंटरफेस क्रिएट करते हैं। ये 3 चीज समझ में आ गया सर? अब यहां पे क्वेश्चन आता है कि हम VBA का इस्तेमाल कब करें और किसके लिए करें। और ऐसा तो नहीं है कि आप हर काम VBA से ही करना शुरू कर दो। VBA यूज करने का एक सही टाइम होता है, एक सही वजह होता है। देखिए VBA का इस्तेमाल हम करते हैं 2 केसेस में। पहली, ऐसा काम जो रिपीटेड हो, जैसे कि आपके पास कोई रिपोर्ट है, आपको वो रिपोर्ट हर दिन बनानी हो रही है और उसको बनाने में 2 घंटे का टाइम आपको लगता है, इसलिए उसकी कोडिंग। अब मान लीजिए कि बॉस ने केजुअली आपसे पूछ लिया कि यार जनवरी में हमने टोटल सेल क्या किया था, अब उसके लिए आप VBA प्रोग्रामिंग खोले कि भाई डेटा कनेक्ट करे, डेटा डाउनलोड करे, फिर उसको टोटल करके भी सब निकाले, जितने देर में प्रोग्रामिंग करेंगे वो प्रोग्रामिंग को टेस्ट करेंगे कोड करेंगे उतने देर में तो आप उसको एक बार टोटल मार के देख लेंगे क्या सर। लेकिन यही टोटल आपको हर दिन को भेजनी पड़े मेल पे एवरी डे, तो इसके लिए प्रोग्राम बनाना सोचा जा सकता है, पर उन्होंने वन टाइम ऐसी कैजुअली पूछ लिया तो उसके लिए प्रोग्राम क्रिएट करना ठीक नहीं। तो VBA का इस्तेमाल हम कहाँ करते हैं, जहां हमारा रिपीटेड वर्क होता है। हम पहले देखिए यहां पे हम ये देखते हैं कि हमारा जो काम है वो काम अगर मैनुअल बहुत जल्दी हो जा रहा है तो हम VBA प्रोग्रामिंग अवॉइड कर देते हैं। हम देखते हैं काम लेंदी है, डेली करना है और डेली मेरा टाइम वेस्ट हो रहा है, एरर आने के चांसेस है, तो हम सोचते हैं इसको ऑटोमेट करें, ठीक है।
अब एक मंज एक मंजिल एक एक मंजिल जो है फर्स्ट फ्लोर की घर आपका है तो आप जनरली सीढ़ी चढ़ जाते हैं, उसके लिफ्ट तो ही लगवाइएगा। लेकिन वही आपको 10 या 15 मंजिल हो जाएगी तो आप सोचेंगे यार सीढ़ी लगाने में 15 मंजिल चढ़ना बड़ा दिक्कत हो रहा है। सेम थिंग यहाँ भी। दूसरी सिचुएशन आती है रिपीटेड वर्क, सॉरी माफ कीजिएगा लेंथी वर्क, कि काम आपका आया है बट वो काम है तो एक बार का, वन टाइम का ही, बट इट वेरी कॉम्प्लिकेटेड। अब एग्जाम्पल इसके लिए मैं समझाता हूँ, एग्जाम्पल के लिए मैं जाता हूँ गूगल में और इस ऐसे कुछ सर्च करता हूँ जैसे कि फ्री एड पोस्ट साइट, चलिए इसी को ले लिया, हम ये लिस्ट दिखाया ना सर आपको, हमने इसी लिस्ट को कॉपी करना, कॉपी किया और कॉपी करने के बाद हम एक्सेल सीट पे इसको पेस्ट कर, पेस्ट कर दिया हमने। अब प्रॉब्लम क्या है कि मुझे इसका यूआरएल चाहिए, फेसबुक मैसेंजर है, दिख रहा है आपको सर, बट फेसबुक मैसेंजर नहीं चाहिए, मुझे चाहिए कि मैं राइट क्लिक करूं, एडिट हाइपरलिंक करूं और यहां से इसका जो पाथ है इस पाथ को मैं यहां पे पेस्ट करूं। ठीक है, यहां पे राइट क्लिक, एडिट हाइपरलिंक, कॉपी और इसको हम पेस्ट इस तरह से, ओके। बट मान एक्चुअली 15-20 लिस्ट है तो आप राइट क्लिक करेंगे, एडिट हाइपरलिंक करेंगे और इसको ओपन कर लेंगे, बट यू हैव मोर देन 10,000 टाइप ऑफ द डेटाबेस दैट टाइम, अगर इसको मैनुअल करते हैं तो इट मींस टेक द वन ईयर मिनिमम वन ईयर टाइम इफ यू हैव द 10,00,000 सेल्स, और इफ यू आप जो इसको मैनुअल कर रहे हैं तो मे बी टेक मोर देन वन ईयर टाइम। सो हम क्या करेंगे कि इसको जो है ऑटोमेट करेंगे, लेकिन ये काम एक ही बार आया, दिस इज द वन टाइम वर्क नॉट ए रिपीटेड वर्क। हमने बताया कि हम बीवीए को दो सिचुएशन में यूज करते हैं, पहली रिपीटेड वर्क और दूसरी लेंथी वर्क। तो लेंथी वर्क ये जो है एक ही बार, ये रिपीटेड नहीं है, हम एक बार लगाने के बाद इसको फ्यूचर में कभी जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन इतना कॉम्प्लिकेटेड है कि मैनुअल करने जाए तो ये दिन महीना साल लग सकता है। सो दैट टाइम हम क्या करेंगे कि इसके लिए एक फंक्शन क्रिएट करेंगे सिंपल सा, या माइक्रो क्रिएट करेंगे, फॉर्मूला बन रहा है एनर्ज रेंज यू आर एल इक्वल टू एन डॉट हाइपरलिंक एड्रेस, और यहां पे हम इक्वल यू आर एल और इसको सिलेक्ट और जस्ट ड्रैग। जो काम महीने का था उस काम को हमने कुछ घंटों में कर दिया, समझ गए। तो हम इस सिचुएशन में इसको यूज करते हैं, दूसरा आता है कि आप किसके लिए माइक्रो बनाएंगे। अब यहां भी एक सवाल उठता है, अब ऐसे ही सबके लिए माइक्रो बना के नहीं भेज सकते। देखिए क्या होता है कि जब आप माइक्रो बनाते हैं तो एक चीज ध्यान रखिएगा कि आपकी माइक्रोज आप अगर अपने लिए बना रहे हैं
तो आप जितना मर्जी जैसी मर्जी यूज कीजिए, कोई रोक टोक नहीं। लेकिन आप उस फाइल पे माइक्रो बना रहे हैं जो फाइल पब्लिकली ट्रेवल होने वाली है, तो आप ये चीज़ सोच लीजिए। क्योंकि हर कंप्यूटर का माइक्रो सिक्योरिटी जो होता है डिसेबल होता है, माइक्रो सिक्योरिटी है वो बाय डिफॉल्ट डिसेबल होता है, उसको मैनुअली अनेबल करना होता है। तो अगर आप कोई फाइल में माइक्रो बनाते हैं और अगर आप 10 आदमी 10,000 मान लीजिए 100 को आपने भेज दिया, अगर 100 में से 40 भी माइक्रो से फैमिलियर नहीं हुआ, जैसे आपकी फाइल को ओपन करेगा एक सिक्योरिटी अलर्ट दिखाएगा, सिक्योरिटी वार्निंग दिखाएगा, अगर माइक्रो से टैम्पर हुआ चीजों को जानता हुआ तो उसको अनेबल माइक्रो कर लेगा और उसको यूज कर लेगा। लेकिन अगर वो माइक्रो को बिल्कुल टैम्पर नहीं हुआ तो देखेगा यार इस तो फाइल के साथ वायरस है, फाइल कंटेन द वायरस, और उस फाइल को तुरंत बंद कर देगा और आपको कहेगा कि आपकी फाइल में वायरस है, यहाँ सिक्योरिटी अलर्ट दिखा रहा है। अब आपको उसको मैनुअली समझाना होगा कि भाई ये इसमें हमने कोडिंग की हुई है, आप जो है इसकी सिक्योरिटी को अनेबल करो, और इसको कन्वेंस करना पड़ेगा कि ये कोई वायरस नहीं है, ये फाइल सिक्योर है। और 100 में से 40 को कन्वेंस करना इट इज नॉट इजी जॉब। क्या लग रहा है वरुण जी, इजी है? इसलिए आपका प्रायोरिटी होना चाहिए लास्ट। आप अगर कोई फाइल किसी को भेज रहे हैं तो उसमें आप कोशिश करें कि वो चीज़ें आप माइक्रो को कम से कम यूज करें, ना करें, चीज़ें एक्सेल से ही हो जाए। इन द लास्ट आपको लगा कि नहीं यार अगर मैं इसको एक्सेल से करता हूँ तो बहुत टाइम कंज्यूम करेगा और ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, दैट टाइम आप माइक्रो फाइल को यूज करें। ये मेरा ओपिनियन है, हो सकता है कि मैं गलत हूँ, लेकिन मेरी ओपिनियन यही कहती है कि ऐसी फाइल जो पब्लिकली ट्रेवल हो रही है उसमें माइक्रो लगाना इस मतलब है कि एक नया काम को सर पे लेना है, ठीक है। अब हम बात करते हैं प्रिपरेशन ऑफ द लर्निंग। हमने माइक्रो के फंडामेंटल्स के बारे में बता दिया, माइक्रो क्या है, कहाँ कहाँ यूज होता है, कब कब यूज करना है, किसके लिए यूज करना है, आई थिंक आप समझ चुके होंगे। जब आपके पास प्रॉब्लम होगा तो आपको डिसाइड करना होगा कि इस प्रॉब्लम को सोल्यूशन एक्सेल के थ्रू करूं या वीबीए के थ्रू। तो इस डिसीजन को लेने से पहले आप आज जो चीजें बताई है उन चीजों को सोचना, उसके बाद आप डिसीजन लेंगे। चल स्टार्ट विद वीबीए, ओके सर। अब बात करते हैं प्रिपरेशन ऑफ द लर्निंग, सीखने के लिए क्या प्रिपरेशन चाहिए। तो सबसे पहले तो आपके पास टाइम होना चाहिए प्रैक्टिस के, दूसरी एक्सेल की अच्छी खासी नॉलेज होनी चाहिए। अब एक्सेल की आपके पास कितनी नॉलेज है ये मुझे नहीं पता, क्योंकि आप मुझसे एक्सेल सीखे नहीं है, मुझे कुछ आइडिया नहीं है। इसलिए मैंने आपको कल एक 5 आवर्स का वीडियो रिकॉर्डिंग भेजा था, आई थिंक आपने उसको कंप्लीट तो नहीं किया होगा, बट आपने देखा जरूर हो। उस वीडियोस में मैंने वो सारे चीजें बताई हुई है जो कि एक वीबीए लर्नर को पहले से पता होनी चाहिए, ठीक है। हालांकि रिकॉर्डिंग बहुत पुरानी है, बट ऑल इज ओल्ड ऑलवेज गोल्ड कहा जाता है ना, ओल्ड इज ऑलवेज गोल्ड, तो उसमें आप इसको यूज कर सकते हो। दूसरी चीज है टाइम, प्रैक्टिस के टाइम तो आपको चाहिए, उसके बाद थोड़ी सी आपको पढ़ाई भी करनी पड़ेगी। तो मैं आपको एक वेबसाइट रिकमेंड करता हूँ, excel-vva.com। आप लोग चाहो तो कहीं नोट कर सकते हो या याद रख सकते हो, excel-vva.com दिख रहा है सर। ये मेरी वेबसाइट नहीं है, मेरा ट्यूटोरियल नहीं है, लेकिन शुरुआती दौर में जब मैं वीबीए सीख रहा था आई थिंक 2006 या 2007 के आसपास में, तो मैंने इस आर्टिकल को फॉलो किया। तब से हर किसी को सीखने से पहले रिकमेंड करता हूँ कि एक बार इसकी आर्टिकल को पढ़ा जाए। इसके आर्टिकल में पिक्चर के साथ बहुत अच्छे तरीके से वीबीए फंडामेंटल को समझाया हुआ है। अगर इसको आप सीखते हैं तो आपके लिए बेटर रहे, देखते हैं।
वरुण जी और श्रीनिवास जी, तो आपके पास दो जॉब है, हाँ दो जॉब है, फर्स्ट कंप्लीट माय वीडियोस, 5 आवर्स वीडियो जो मैंने दिया है उसको कंप्लीट करें, एंड सेकेंड इस आर्टिकल को जितना हो सके उतना, हालांकि पूरा आर्टिकल पढ़ना पॉसिबल नहीं है एक दो दिन में, पर जितना हो सके उतना इस आर्टिकल को पढ़ें, राइट सर। कल हम स्टार्ट करेंगे आपके साथ माइक्रो प्रोग्रामिंग के, अभी दो तीन दिन जो होगा अब हम फंडामेंटल लेके ही चलेंगे, कोडिंग नहीं स्टार्ट करेंगे, दो तीन दिन आपको हम कोडिंग को कोडिंग करने के लिए प्रिपेयर करेंगे, ठीक है सर, क्योंकि चीजें जो इसकी जो कुछ बहुत सारी चीजें रूल्स वगैरह है, अगर आपको ना पता हो कोडिंग डायरेक्ट करना शुरू कर दिए तो प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। तो आज की क्लास में यहीं पे खत्म करता हूँ, कल मिलते हैं सेम टाइम, बट आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज वीडियो को एटलीस्ट 3 आवर तक कंप्लीट जरूर कर दीजिएगा, ओके ओके सर, मिलते हैं सेम टाइम कल, बाय। और कोई भी प्रॉब्लम हो, किसी तरह की क्वेश्चन हो, आप कभी भी मुझे व्हाट्सएप या कॉल कर सकते हैं, वो कहा जाता है ना सर, आपके कॉल के इंतजार में अपना फोन हमेशा फुल चार्ज करके रखूंगा, ठीक है। मैक्रोस का रूल एक, मैक्रोस इस्तेमाल करने के लिए आप कहीं भी इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई बाउंडेशन नहीं, लेकिन हम बेनिफिट ऑफ द यूज बता रहे हैं। आप वीवीए प्रोग्रामिंग को अगर रिपीटेड जॉब पे इस्तेमाल करते हैं तो ये आपके लिए बेनिफिशियल होगा। अब ऐसे काम के लिए प्रोग्रामिंग यूज करेंगे जिस काम को आप वीवीए से फास्ट कर लें, तो क्या फायदा इसको यूज करने का। वीवीए प्रोग्रामिंग के जरिए आप उसको मान लीजिए कि 5 मिनट में इस्तेमाल बना सकते हो और 2 मिनट में मैनुअल कर लोगे, तो वीवीए फायदा तो नहीं है सर, हाँ लेकिन आपको जो है 2 मिनट हर दिन लगाना पड़ रहा है, तो आप एक दिन 5 मिनट लगा के उसकी प्रोग्रामिंग कर दे ताकि हर दिन आपका 2 मिनट बन जाए, समझे, ओके। सो हम कल मिलते हैं सेम टाइम, ठीक है, चलिए। शुरुआत में क्लास थोड़ा छोटी ले रहा हूँ, क्योंकि सर क्या है आप लोगों की पढ़ने की हैबिट नहीं रही है, कॉलेज छोड़े काफी टाइम हो चुका है, तो क्लास में बोर होने से अच्छा है कि उतना ही भरे जितना आप ऑब्जॉर्व करें, धीरे धीरे स्पीड को मैं बढ़ाऊंगा, ओके।
आज तृणमूल कांग्रेस की पहली बड़ी बैठक ली। टीएमसी ने हेलो दिवाकर जी, अतीश जी, गुड मॉर्निंग। अतीश जी गुड मॉर्निंग। हेलो हेलो अतीश जी, गुड मॉर्निंग सर, आवाज आ रही है? कैसे हैं सर? तो चलिए स्टार्ट करते हैं और मैं रिकॉर्डिंग की परमिशन दे देता हूँ। और हमने यहाँ पे सबसे पहले डेटा कनेक्ट करते हैं। आज से हम मेजर्स की कैलकुलेशंस एंड विजुलाइजेशन दोनों शुरू कर रहे हैं, ठीक है, ताकि आप डैशबोर्ड्स वगैरह बना सकें।